तमाम जो माहौल बन रहा है कहीं रेप हो रहे हैं बच्चों के साथ में, और बच्चों में जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी, अभय कांड जो निर्भया के बाद में जो कर दिया है कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है, उसके बाद में हत्याएं बहुत ज़्यादा होने लगती बच्चों की। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी कल मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देता है बच्चों की। ये बहुत बड़ी चलन पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ, जो रिपोर्ट आ रही है बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम बातें देश के अंदर जो हालात है वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा संकट का समय है, हमने ऐसा समय कभी नहीं देखा। ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें चिंता बच्चियों की है या नहीं, जिनके साथ रेप हुआ या फिर चिंता है रेपिस्ट की, क्योंकि अशोक गहलोत तो निर्भया की मां आशा देवी ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि आपको वो बयान हम सुनाते हैं। आशा देवी पहले तो गहलोत के बयान को शर्मनाक बताया। मुख्यमंत्री साहब ने जो बयान दिया है ये बहुत शर्मसार बयान है और बहुत दुख पहुंचा है इससे, खासकर मुझे और जो भी ऐसे परिवार होंगे ऐसी बच्चियां होंगे उनको, क्योंकि उन्होंने एक तरह से इसका मजाक उड़ाया है, निर्भया का मजाक उड़ाया है। और फिर सवाल किया, क्या निर्भया केस के पहले रेप पीड़ितों को नहीं मारा गया? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि निर्भया के साथ जो घटना हुई उस टाइम उनकी सरकार थी, उनका बनाया हुआ कानून था, अब 50 सालों शायद किसी रेपिस्ट को फांसी नहीं हुई होगी 50 सालों में, फिर हमारे निर्भया के साथ ऐसा घटना क्यों हुआ, क्यों उसको मारा गया? उसके पहले भी जो बच्चियों के साथ घटनाएं हुई, मारी गई बच्चियां, क्यों मारी गई? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ। अगर निर्भया वो कह रहे हैं कि निर्भया के मुजरिमों को फांसी हुई तो उसका घटना हुआ कानून बना तो घटनाएं बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि उन लोगों की सोच कैसी है। और पूछा गया, क्या गहलोत साहब रेपिस्ट के साथ खड़े तो नहीं, और फिर ऐसा तंज कसा कि इसका जवाब क्या अशोक गहलोत एक माँ को दे पाएंगे, क्योंकि आशा देवी ने कहा कि गहलोत साहब सभी रेपिस्ट को छुड़ाकर अपनी पार्टी में शामिल कर ले, वोट बैंक बढ़ जाएगा। वो कहीं ना कहीं मुजरिमों के साथ बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि महिलाओं को इंसाफ मिले नहीं मिले, बच्चियां सुरक्षित हो। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि वो राजस्थान के मंत्री हैं और जितने रेपिस्ट हैं उनको बाहर निकाल लें, क्योंकि पैसे की कमी है नहीं, उनको छोड़ा लें, आए अपने पार्टी में शामिल कर लें कि उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। क्योंकि आज जो घटना है वो कह रहे हैं कि कानून खराब है, कानून नहीं खराब है, लोगों की सोच खराब है। देश में ऐसी कानून की व्यवस्था है, सब कुछ होते हुए पुलिस व्यवस्था है, सरकार है, कोर्ट है, फिर भी किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, और उस टाइम पे ऐसे एक मंत्री का बयान आना, इससे दुर्भाग्य कोई छो नहीं सकता। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, पूरे देश के महिलाओं के से कहना चाहती हूँ, माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि जिस पद पे हैं, जिस उम्र में हैं और उन्होंने ऐसा बयान दिया है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि निर्भया से पूरे देश के महिलाओं से बच्चियों से माफी मांगे और अपना इस्तीफा दें वो, क्योंकि खासकर हमारे जैसे पीड़ित परिवार तो इस बयान को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है। और आगे कहा कि अशोक गहलोत अपना इस्तीफा दें। अशोक गहलोत का बयान जिसके बाद अशोक गहलोत चौतरफा घिरे, लेकिन एक माँ को क्या वो जवाब दे पाएंगे जिस माँ ने कानून को बुरा नहीं बल्कि लोगों की सोच को बुरा बताया और कहा कि अशोक गहलोत ने मेरी बेटी का मजाक बना दिया है। अब इस पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट जरूर करें।